नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। आज हम बताने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल RRB ALP टेक्नीशियन के संबंध में जो यहाँ पर खबर आ रही है कि रिवाइज रिजल्ट दोस्तों आज संभव है। और साथ ही आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सेकेंड स्टेट CVT के दोस्तों जो आप लोग का एग्ज़ाम है वो 24 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। तो क्या है इसके बारे में बिल्कुल पूरा विस्तृत से बताने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा ताकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी के लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आइए देखते हैं दोस्तों फिलहाल इसके बारे में क्या खबर आई है। आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल ये खबर आई है कि RRB ने मंगलवार को ALP टेक्नीशियन पदों पर हुए पहले चरण के कंप्यूटर आधारित एग्जाम के संशोधित नतीजों की घोषणा कर सकता है। यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज इन रिजल्ट की घोषणा जो है मुंबई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट rrbmumbai.gov.in पर हो सकती है। आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम को पास करने वाले सफल आवेदन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित दूसरे चरण के CVT में बैठने के पात्र होंगे और सेकेंड स्टेज CVT जो है दोस्तों 24 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन पद के लिए हुए पहले चरण के CVT के नतीजे घोषित कर दिए थे, लेकिन कुछ आवेदकों के आंसर में कमी पाए जाने की शिकायत पर RRB ने की थी, जिसके बाद दोस्तों इन नतीजों को यहां पर रद्द कर दिया गया था। ओके, तो रिजल्ट काउंसिल होने के बाद सेकेंड स्टेज CVT की तारीख भी 12 दिसंबर से बढ़ाकर यहां पर 24 दिसंबर कर दी गई है। रिजल्ट बदलाव होने से पहले जारी किए गए नतीजों में सफल कुछ कैंडिडेट जो हैं दोस्तों बाहर भी हो सकते हैं, जबकि कुछ असल जो आपके असफल कैंडिडेट हैं वो दोस्तों सफल भी हो सकते हैं। ओके, तो फिलहाल देखिए क्या यहाँ पर दे रखा है कि सेकेंड राउंड CVT के लिए 6 लाख कैंडिडेट यहाँ पर फिलहाल सेलेक्ट किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि इस साल सेकेंड राउंड CVT के लिए करीब 6 लाख आवेदकों ने क्वालिफाई किया था। 2 नवंबर को रेलवे ने फर्स्ट स्टेज CVT के नतीजे जारी किए थे। आधिकारिक नोटिफिकेशन जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन के मुताबिक 5.88 लाख आवेदन सेकेंड राउंड एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइड हुए थे। ओके, तो कुल वैकेंसी दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए दे रखी है 64,371 है, और जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के 64,371 पदों में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 27,795 पद जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट के हैं और 36,576 जो हैं वो टेक्नीशियन पद के हैं। तो चाहे तो दोस्तों आप लोग चाहें www.sarkarieexam.com पर जाकर देख सकते हैं इस वेबसाइट पर। तो यहाँ पर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जा रहा है कि रेलवे RRB ALP टेक्नीशियन CVT का फर्स्ट रिजल्ट आज जारी होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो है इन्होंने ये लिंक दे रखा है जो कि अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। जब ये दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ये लिंक यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग अपने रिजल्ट को देख पाएंगे। या फिर जैसे ही दोस्तों फिलहाल कोई भी लेटेस्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो फिलहाल बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में, कोई भी यहाँ पर फिलहाल न्यूज़ अपडेट होती है तो सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं दोस्तों फिर एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।